वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशा अकेडमी। आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ का पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं। इससे पहले के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ताकि आपकी एक अच्छी डेप्थ नॉलेज आ जाए इस चैप्टर को लेकर। चलो चैप्टर शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन। तो हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के लिए बेसिक आइडेंटिटी कैसी होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक, ठीक है, और इंडिया के सेंस में कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लॉज एंड रेगुलेशन मेंशन है जिसके अकॉर्डिंग हम हमारी सारी ड्यूटीज़ को सारे वर्क को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं कि कौन कौन सी तरह की चीज़ें हैं जो हमारे लिए बेसिक नीड्स का काम करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं हम यहाँ पे कि हमारे यहाँ थ्री टाइप्स ऑफ नीड्स हमें बताई गई है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक मैनिफेस्टो है। एक मिनट हाइलाइटर ले लेते हैं। हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, मैनिफेस्टो है। पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है वेरियस क्लासेस को, ग्रुप्स को जो कंट्री में रहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हमारे यहाँ जितने भी लोग रहते हैं सबको एक आइडेंटिटी मिली हुई है, वेदर वो किसी भी क्लास का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वेदर वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, सबको हमारे यहाँ आईडी मिली हुई है, सबकी एक अच्छी पहचान है। ठीक है, देन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को मॉरल आइडेंटिटीज़ देता है। मॉरल आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है, हम लोगों के लिए समटाइम मेंटली और फिजिकली गलत सोचते हैं। ठीक है, जो गलत है, हम कभी किसी को भी मेंटली और फिजिकली हरास नहीं कर सकते, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। ठीक है, हमारी जो मॉरल लाइफ है वो मॉरल लाइफ ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो, दूसरों को उससे कुछ सीखने को मिले। ठीक है, जैसे कि आपने कुछ पॉलिटिशियंस के नाम सुने होंगे, अब्राहम लिंकन अमेरिकन प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट, और वो कितने ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, ओके, मॉरल लाइफ की डिमांड करता है शुड नॉट एक्सेप्ट आवर पर्सनल डिजायर एंड एस्पिरेशन एज एवरीथिंग। कि पॉलिटिक्स के अंदर ना हमें देखो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को नहीं करना चाहिए कि कोई एक्स वाई जेड पॉलिटिशियन है वो सारी चीज़ें पूरी कर रहा है जो उसके लिए अच्छी है और ना कि समाज के लिए, तो ये गलत है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बेसिक आइडेंटिटी का मतलब है नेशन में रहने वाले हर व्यक्ति को समान तरह से चीज़ें मिले, इक्वालिटी फॉर ऑल। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी चीज़ से अमीर का भला हो रहा हो और गरीब का भला ना हो रहा हो। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड क्या है। थर्ड यहाँ पे दे रखा है कि नेचुरल आइडेंटिटी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि जितने भी लोग हैं उनकी नेचुरल आइडेंटिटी होनी चाहिए। देखो नेचुरल आइडेंटिटी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल समटाइम क्या होता है, हम अपनी पहचान बनाते हैं कोई पर्सन किसी डिप्रेस क्लास से, किसी छोटी कास्ट से है, जब तक वो कोई अच्छा कार्य नहीं करेगा ना, कोई अच्छा वर्क नहीं करेगा, लोग उसे सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं देंगे। वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति किसी अपर कास्ट में पैदा हुआ है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं किसी कास्ट को, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि कोई ब्राह्मण में पैदा हुआ है, अब क्या होता है हमारे यहाँ ब्राह्मण को सबसे बड़े लेवल पर देखा जाता है, वेदर वो बंदा बहुत गलत करता हो, तो हमारे यहाँ क्या है, चीज़ों को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट देखा जाता है। ठीक है, जो गलत है, तो संविधान ये बताता है कि सबकी बेसिक आइडेंटिटी है, नेचुरल आइडेंटिटी है, मतलब हर कोई जन्म से बाय बर्थ सेम है, लोगों को उनके कर्मास के आधार पे, यानी वो किस तरह के वर्क करते हैं उसके आधार पे उनको डिफ्रेंशिएट किया जाना चाहिए, अलग करके देखा जाना चाहिए। ठीक है, ओके, अब हम करते हैं कौन कौन से प्रोविज़न है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावरफुल बनाते हैं। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं इसे। देखो पहला क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे पहले किसको बेनिफिट देता है, जैसे कि मैंने आपको बता रखी है बात कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो पावर लेता है वो सिटीजन से लेता है, जनता से। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा पावर किसे देता है, हमारे यहाँ आम जनता। देखो कॉन्स्टिट्यूशन पावर तो सबको देता है, बट जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन अप्रोक्स 136 करोड़ है। ठीक है, जिसमें हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 80-90% जो रेशियो है इस पॉपुलेशन का वो गरीबी की मार को झेलता है हर समय, मिडिल क्लास लोअर क्लास इन्हें ही प्रॉब्लम होती है, पैसे वालों को तो ना के बराबर ही प्रॉब्लम होती है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि सबों को सेम तरह की चीज़ें मिले, नीड्स उनकी हर तरह से पूरी हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ना हो जिससे अमीरों का भला हो और गरीबों का भला ना हो। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो इस प्रकार का है जो केवल पेपर पे इफेक्टिव नहीं है बल्कि ओरली वे में इफेक्टिव भी है। तो हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए था जो किताबों पे ही हो, पेजेस पे ही हो और बहुत अच्छा हो, बल्कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जो बिहेवियर में भी अच्छा हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूँ मैं आपको कि
जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस वाले हमारी बात नहीं सुनते या वो हमारी FIR नहीं लिखते, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत गुस्सा आता होगा ना कि पुलिस वाले हमारी FIR नहीं लिखते, ये तो गलत बात है, उनका तो काम ही यही है हमारी FIR लिखना, वो तो पब्लिक सर्वेंट है। तो थोड़ा सा मतलब एक मिनट का टाइम लेके मैं आपको बताता हूँ। देखो वो FIR क्यों नहीं लिखते उसके पीछे वजह होती है, पता क्या होता है, हर डे के एंड में जो भी किसी भी थाने का SHO होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, उसे क्या करना होता है, अपने बड़े लेवल के जो ऑफिसर होते हैं ACP DGP उनको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि आज हमारे यहाँ इतने केसेस थे, इतने ये थे। और जिस थाने में जितने ज़्यादा केसेस होते हैं ना, माना जाता है वहाँ का SHO वहाँ के क्राइम को कंट्रोल करने में सही से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसकी डांट पड़ जाती है। तो इस वजह से ये लोग जानबूझ के FIR नहीं लिख पाते, ठीक है। और आपको पता हुआ कि कितने तरह के फेक FIR होते हैं, तो इसी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो पेपर पे ही वर्किंग नहीं है बल्कि बिहेवियर वे में भी वर्किंग है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी कमियों के साथ है, बट आपको भी इस बात को अग्री करना चाहिए कि दुनिया का ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो कमियों के साथ ना हो। और सबसे बड़ा फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो ऑलवेज चेंजेबल है, अगर आप कुछ चाहो तो उसमें से हटा सकते हो। और हम समय के साथ ही चीज़ों को सीखते हैं, है ना। तो अच्छी बात है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पेपर पे ही नहीं है बल्कि बिहेवियर वे में भी बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे किसने बनाया था, ठीक है। हु हैड मेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट वाज इट द सोर्सेज, कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, उसके सोर्सेज क्या थे। तो हमें जैसे कि पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर थे, और वो 389 मेंबर इंडिया के ऑल पार्ट से थे। जैसे आपको दिख रहा है ना मिनी इंडिया, मिनी इंडिया कहने का मतलब है एट द टाइम ऑफ अ फ्रीडम जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो अप्रोक्स 36 करोड़ समथिंग थी। तो आप देख सकते हो कि 36 करोड़ में से 389 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे, तो इसका मतलब ये तो बहुत कम नंबर है ना इसका परसेंटेज के हिसाब से। बट वो 389 मेंबर इंडिया के हर पार्ट से आए थे, मतलब वो मेंबर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भी नॉमिनेट किए गए थे, ठीक है, और जो हमारी प्रोविंस थी उस समय की उनसे भी करे गए थे, मुस्लिम लीग थी उनसे भी करे गए थे, ठीक है, यानी हर सोसाइटी के लोग थे, ठीक है। जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे 565 उनसे भी आए हुए मेंबर थे, ठीक है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वॉज अ मिनी इंडिया वेयर ऑल द सेक्शन ऑफ आर रिप्रेजेंटेटिव्स कैन सीन जनरली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिप्रेजेंटिंग द होल इंडिया। तो आप देख सकते हो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है, हालांकि उस समय का इंडिया आज के इंडिया जैसा नहीं था। उसकी वजह यह थी कि आज के इंडिया में तो 28 स्टेट है, बट उस समय के इंडिया में जो स्टेट थे वो आप 565 कह सकते हो, 565। क्यों? क्योंकि वो रजवाड़े थे, प्रोविंसली स्टेट थे, ना कि वो प्रॉपर वे में स्टेट थे। हालांकि 1956 में SRC, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 स्टेट और 6 UT को बना दिया था, ठीक है। चलो हम आगे अब देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्मूथ बैलेंसिंग डॉक्यूमेंट है। देखो स्मूथ बैलेंसिंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ भी गलत है ना तो उसे हम चेंज कर सकते हैं, और हम जब चाहे उसे जब बदल सकते हैं। उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम अमेंडमेंट, ठीक है। आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट से डील करता है, ठीक है। देखो जैसे अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बैलेंस में लाने के लिए, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, तीन मेन फीचर हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी ऑर्गन कह सकते हो, आप गवर्नमेंट के भी ऑर्गन कह सकते हो। गवर्नमेंट को रन करने के लिए हमारे यहाँ तीन चीज़ें यानी थ्री ऑर्गन्स हैं जो एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और सेपरेट है ऑलमोस्ट। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट रहती है और जुडिशरी अलग रहती है। तो तीन ऑर्गन कौन से हमारे, एक बार हम इसे ऐसे करके देख लेते हैं। एक क्या है हमारे यहाँ, लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर को मैं L से डिनोट कर रहा हूँ, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ जरा। हाँ देखो, लेजिस्लेचर, और एक क्या हमारे यहाँ, हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव, और एक क्या है हमारे यहाँ, जुडिशरी। तो आपने सुना होगा विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य भी करती है और एक दूसरे से अलग होकर भी कार्य करती है। क्यों? लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, लॉ बनाती है, उसे एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करने का काम करती है, और अगर इसमें कुछ गलत हो जाए तो जुडिशरी उसे ठीक करने का भी काम करती है। तो आप देख सकते हो ना कि हमारे यहाँ किस तरह से चीज़ें करी जाती है, ठीक है। हमारे जो थ्री ऑर्गन्स हैं
गवर्नमेंट को चलाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को रन करने के लिए तीनों प्रॉपर वे में काम करते हैं। एक्चुअली फोर्थ ऑर्गन भी है जिसे आज के समय आप मीडिया कह सकते हो, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कैसे कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये ट्रू है कि मोस्ट ऑफ द चैनल्स पेड न्यूज़ दिखाते हैं, बट ऐसे भी बहुत से चैनल्स हैं जो हमें अवेयर करने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो अगला पॉइंट है, जैसे कि जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, एक मिनट में इसे हटा देता हूँ ताकि आपको आराम से दिखे, ठीक है। देखो हाँ, जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है वो जो होते हैं ना, हमारे प्रेसिडेंट जो देश के फर्स्ट सिटीजन के वे में काउंट करे जाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल होती है उसके लिए लाइबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। यानी जो इंडिया के प्रेसिडेंट है, जैसे अभी हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद, ठीक है, वो किसके लिए डिपेंडेबल है, वो मोदी जी की जो काउंसिल है उनके लिए डिपेंडेबल है। जब तक मोदी जी की काउंसिल किसी काम को करने के लिए नहीं बोलती, प्रेसिडेंट उस काम को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे कि ये बात पता होगी कि हमारे यहाँ जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल में होती है, और जो नॉमिनल पावर होती है वो किसके पास होती है, प्रेसिडेंट, इनका प्रॉपर वर्ड होता है एक्सजियोर डीजियोर, ठीक है। तो इसे कॉमन से वे में समझने की हम कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ सारे फंक्शंस होते हैं वो प्रेसिडेंट के नेम पे साइन करे जाते हैं, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे करे जाते हैं, बट उसे रियलिटी में उन्हें इम्प्लीमेंट करवाने का काम कौन करता है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि हमने देखा जो प्रेसिडेंट हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल के ऊपर रहते हैं, ठीक है। और इंडिया में क्या है कि इंडिया में जो जुडिशरी है वो फ्री रहती है किससे, एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेचर से, ठीक है। तो हमारे यहाँ जुडिशरी पे एक अच्छा फंक्शन है, हमने ये जो प्रोविज़न है अमेरिका से लिया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो हमारे यहाँ जुडिशरी जो चाहे वो कर सकती है, हालांकि पूरी अमेरिका की तरह नहीं है, बट फिर भी हमारे यहाँ जुडिशरी काफ़ी हद तक फ्री है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आप एक सबसे बड़ी चीज़ देख सकते हो कि हमारे यहाँ ये जो तीन ऑर्गन्स हैं इनके बीच में इतना ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं देखा जाता जितना कि पाकिस्तान, भूटान जैसी कंट्रीज़ में, नेपाल जैसी कंट्रीज़ में होता है कि यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन ही ख़त्म कर दिए जाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह कि इन तीनों में से ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जो ये क्लेम कर सके, ये बात बोल सके कि भाई हमारे पास ज़्यादा पावर है, आपके पास कम पावर है, सबों को पावर का बैलेंस करके दिया गया है, ठीक है। ओके, एक बार मैं आपको बता दूँ, देखो पार्लियामेंट किससे मिलकर बनती है, आप लोगों को पता होगा, नो डाउट आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। देखो जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है ना, वो थ्री पार्ट से मिलकर बनती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, एक मिनट में इसे ऐसे बनाता हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट हमारे यहाँ तीन पार्टों से मिलकर बनती है। सबसे पहले पार्लियामेंट जो होती है वो बनती है लोकसभा, जो अपर सॉरी लोकसभा जो लोअर हाउस होता है, ठीक है, बट परमानेंट नहीं होता। राज्यसभा जो अपर हाउस होता है बट परमानेंट होता है, ठीक है। और हमारे प्रेसिडेंट जिसे आप राष्ट्रपति कहते हो और प्रेसिडेंट कहते हो, इन तीन से मिलकर हमारे यहाँ पार्लियामेंट बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और हमारे प्रेसिडेंट। तो याद रखना, जो लोकसभा है वो परमानेंट नहीं होती, डिसॉल्व हो जाती है हर 5 साल बाद, राज्यसभा परमानेंट होती है, ठीक है। और जो राज्यसभा है वो अपर हाउस होती है, लोकसभा जो है वो लोअर हाउस होती है, ठीक है। इन द सेंस ऑफ नंबर में अगर देखोगे तो लोकसभा बड़ी होती है और राज्यसभा नंबर के सेंस में छोटी होती है, तो बहुत बार ऐसे टर्म कंफ्यूजिंग आ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना कि वो नंबर के वे में पूछ रहे हैं या स्ट्रेंथ के वे में पूछ रहे हैं, मतलब पावर के वे में पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो बचे हुए नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम अगली पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग अपडेट्स। And you can also follow us on our Instagram. Thanking you for watching our video.